चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करेक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करेक्टर, वो वहीं का वहीं है। सौरभ भारद्वाज तो ये कह ही रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर होगा ये टेम्पररी और पपेट चीफ मिनिस्टर होगा। चेहरा आतिशी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे सारा जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल रचने वाले हैं। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है, और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। सर, लोकसभा के जब इलेक्शंस हुए थे तब इन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन एक भी महिला का नाम नहीं दिया था, अब एक महिला को सीएम बनाया। एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा कि जितने टाइम से वो मंत्री हैं, आज दिल्ली की सड़कों की हालत देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग वो देख रही हैं। अभी हमने उस दिन मुंडका से नांगलोई तक का जिक्र किया, दिल्ली की हर सड़क की यही हालत है। शिक्षा का काम आतिशी देख रही थी, 9th क्लास के 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा ना। इनका करैक्टर वही है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का हिसाब चाहे आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन सबको देना पड़ेगा। इससे ये चीज़ समझ में आती है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करती है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने का काम किया था। दिल्ली की जनता कभी भी नक्सल समर्थकों को नहीं स्वीकार सकती। इससे ये भी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी क्या दर्शाना चाह रही है, कि महिलाओं को वो पपेट और डमी के रूप में ट्रीट करती है। क्योंकि इस आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज तो ये कह ही रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर होगा ये टेम्पररी और पपेट चीफ मिनिस्टर होगा। तो इससे आज ये स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सोच नक्सल समर्थन की है, पपेट महिलाओं को एज डमी एंड पपेट ट्रीट करने की है। दिल्ली की जनता इस तरीके की सोच का करारा जवाब देगी। दिल्ली के नए डीएम, डमी सीएम मैं कहूंगा, डमी सीएम आतिशी को मुबारक, लेकिन हालात कुछ नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि चेहरा आतिशी होंगी लेकिन पर्दे के पीछे सारा जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल रचने वाले हैं। दिल्ली की सबसे भ्रष्टम सरकार ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जिसको भ्रष्टाचार का खून लग चुका हो ना, वो भ्रष्टाचार से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है भ्रष्टाचार चरम पे रहने वाला है। आप विकास कार्य दिल्ली के अंदर ठप है, और जो अरविंद केजरीवाल की के लोग कह रहे हैं कि ये ईमानदार मुख्यमंत्री बनेंगी, उनके ऊपर तो शिक्षा घोटाले का आरोप लगा हुआ है, सीबी की जाँच चल रही है, लोकायुक्त में केस चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वो केस किया हुआ क्लासरूम घोटाले का। तो शिक्षा का हो चाहे कोई मामला हो, चाहे बस घोटाला हो, तमाम तरह के ऐसे हर महकमे के अंदर भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त वो सरकार है। समय आ गया है कि अब चूंकि अब आतिशी मुख्यमंत्री बन गई हैं, रिकमेंड करें चुनाव जल्दी हो जाए। खुद कहती हैं कि दिल्ली में जल्दी चुनाव होने चाहिए, तो रिकमेंड कर दें, चुनौती देता हूँ, कर दें।